Dear students, assalamu alaikum. Today we will learn about computer science. First of all, let me introduce myself. Myself Usman Salim, and I will be teach you a computer science subject. Let me show the topic of this lecture. In this lecture, we will learn about what is a computer, classification of computer, functions of computer, input devices, output devices, storage devices, processor, memory, computer memory, use of computer in medical field, and last one is assignment. तो dear students, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर को कितनी हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, और कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो ज़रूरी हैं कंप्यूटर के साथ. जब तक वो कनेक्टेड नहीं होती तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करता. अगर वो कनेक्ट है तो तब आपका कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे काम करेगा. और साथ में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. जब भी हम कोई भी डेटा अपना स्टोर कराना चाहते हैं तो स्टोरेज डिवाइसेस में वो डेटा जाके सेव होता है. और उसके साथ स्टोरेज डिवाइसेस के बाद हम सीखेंगे कि प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर किस तरह काम करता है, प्रोसेसर के कितने यानी कि आगे सब यूनिट्स हैं, और इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो मेजर यानी कि रोल अदा करता है वो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी. तो मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद है यूज ऑफ कंप्यूटर मेडिकल फील्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर वन हमें कहती है द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर. यानी कि जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है वो ड्राइव किया गया है कहाँ से, कंप्यूटर से, लैटिन जो जबान है उससे अखज़ किया गया है. और इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स टू कैलकुलेट आर प्रोग्रामेबल मशीन. यानी कि इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना, जमा तफरीक करना, और साथ में लिखा है प्रोग्रामेबल मशीन. अगर हम कैलकुलेटर की मिसाल लेते हैं तो कैलकुलेटर क्या करता है, हम उसे कुछ डिजिट्स देते हैं प्लस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए. तो वो एक प्रोग्रामेबल मशीन है, उसको पहले से बताया गया है. अगर 2 × 2 आप करेंगे तो 4 आएगा, इसी तरह 2 + 2 करेंगे तो फिर भी आपके पास 4 आएगा. यानी कि 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4. तो यानी कि ये पहले से उसको बताया गया है, उसको हिदायत दी गई है. तो यही जो फर्स्ट डेफिनेशन है, आपको इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर खुद से कोई भी काम नहीं करेगा जब तक उसको जो हिदायत दी गई हैं उनके मुताबिक आप उससे काम नहीं लेंगे. जो हिदायत उसको दी गई हैं उन्हीं हिदायत के अंदर रहते हुए वो अपना काम परफॉर्म करेगा. अब यहाँ से देखते हैं, कहता है कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम. यानी कि जो भी हिदायत दी गई उसी हिदायत के अंदर रहते हुए वो काम करेगा, उन हिदायत से हट के कोई काम नहीं करेगा. द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी. जो हमारा कंप्यूटर है इसका ताल्लुक जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ और मेमोरी के साथ डायरेक्टली होता है. अगर आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर कोई मसला आ जाता है तो आपका कंप्यूटर फिर भी काम नहीं करेगा. प्रोसेसर खराब रहता है फिर भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा. तो ये आपसे कह रहा है कि जो लफ्ज़ अखज हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है. लैटिन वर्ड क्या है, कंप्यूटर. वैसे हम कंप्यूट भी कहते हैं और यहाँ पे है कंप्यूटर. ठीक है जी. आगे इसने कहा है कि ये इसका जो मतलब है कंप्यूटर का, कैलकुलेट करना या कोई प्रोग्रामेबल मशीन है. नेक्स्ट आपसे कहता है कि कंप्यूटर जो है वो कुछ भी खुद से परफॉर्म नहीं करेगा. तो थर्ड लाइन जो उसके साथ है पैराग्राफ के अंदर ही, जो कहता है कि आपके पास कि कंप्यूटर का जो ताल्लुक है वो प्रोसेसर के साथ है और इंटरनल मेमोरी के साथ है. नीचे कुछ इमेजेस हैं आपको दिखाई गई हैं. डेली लाइफ के अंदर हम डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. हमारे पास पीसी होता है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास टैबलेट है. डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करते हैं. अपने जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, ऑफिस वर्क हम मुकम्मल करते हैं, असाइनमेंट्स मुकम्मल करते हैं, ऑनलाइन पेपर्स हमने मुकम्मल करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, देने होते हैं, तो हम इसी कंप्यूटर की मदद से ही परफॉर्म करते हैं. तो डेफिनेशन नंबर टू है, डेफिनेशन नंबर टू हमसे मुखातिब वो कहती है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग. यहाँ पर जो लफ्ज़ स्टोरिंग है इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे किस तरह चीज़ों को स्टोर करता है कंप्यूटर. एंड प्रोसेसिंग द डेटा, यहाँ पर हम रुकते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा.
कि जो हमारे पास कंप्यूटर है, सबसे पहले उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया मैकेनिकल डिवाइस, ना इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, मुख्तलिफ किस्म की जो हमने फिजिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी सीखी थी, पढ़ी थी, वो तमाम चीज़ें हमारे इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। फिर उसने आगे कहा है कि टिपिकली इन अ बाइनरी फॉर्म, तो यानी कि जो हमारा जो डेटा है वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म के अंदर। बाइनरी फॉर्म क्या होती है, जीरो एंड वन। और जीरो वन क्या है कंप्यूटर के अंदर, जीरो स्टैंड फॉर ऑफ, वन स्टैंड फॉर ऑन। कंप्यूटर के अंदर जो तमाम की तमाम कैलकुलेशंस होती हैं वो जीरो एंड वन की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ सेकंड डेफिनेशन में दो चीज़ें क्लियर की। नंबर वन, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि इलेक्ट्रिकल, ना मैकेनिकल, ना कि कोई और डिवाइस है। दूसरा, उसने कहा कि ये जो डेटा महफूज होगा, यहाँ पे जो लफ्ज़ था स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग, जाहिर सी बात है जब भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर भी कर रहा होता है और प्रोसेस भी कर रहा होता है। अब जो डेटा वो स्टोर करेगा वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ये जो चीज़ है वो जीरो एंड वन की फॉर्म में स्टोर करेगा। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। अब कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म की आप टास्क परफॉर्म कर रहे होगे, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे होगे, पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे होगे, एक्सेल को आपने ओपन किया होगा, वहाँ पे काम कर रहे होगे, तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स मिल के आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी बैक एंड पे रन हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो हिदायत जो होती हैं आपकी, या आपने जो हिदायत दी हो स्टोर होने के लिए हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस की तरफ जाएंगे, अगर आपने उनको हिदायत को दिया प्रोसेस के लिए तो वो प्रोसेस हो रही होंगी। अब मिसाल लेते हैं, स्टोरिंग किस तरह होगी, प्रोसेसिंग किस तरह होगी। मैं एक काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, मैंने एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ, साथ में मैं कंपोजिंग कर रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, वो तमाम का तमाम जो डेटा है वो साथ में स्टोर भी हो रहा होता है। अब वो स्टोर कहाँ पर होगा, आपके कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज है यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर माई डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर होगा, वहाँ पर वो सेव हो रही होगी फाइल। अब साथ में सेव हो रही है और प्रोसेस भी हो रही है, तो ये दोनों यानी कि एट अ टाइम दोनों काम साथ में आपका कंप्यूटर कर रहा होता है। अब वो जो डेटा महफूज होगा वो जीरो एंड वन की फॉर्म में सेव होगा। तो यूँ यानी कि हमारी डेफिनेशन नंबर टू मुकम्मल हुई। रिपीट करते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन अ बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम्स। वेरिएबल प्रोग्राम से मुराद ये कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहा था, तो उसके अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो काम करने की सलाहियतें हैं, हम उसी के अंदर आगे कर सकते हैं। वही काम अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तब हम वो काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर। अब डिफरेंट यानी कि इसमें क्या है, वेरिएबल प्रोग्राम, मुख्तलिफ हमारे पास जो काम हो रहे हैं प्रोग्राम्स, वो उन चीज़ों को हैंडल करेगा आपका कंप्यूटर। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर वन हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, नंबर टू है डिजिटल कंप्यूटर, नंबर थ्री है हार्डवेयर कंप्यूटर। अगर हम थोड़ा सा यानी कि पीछे जाएं, तो हमारे पास जो कंप्यूटर थे, हम जो कंप्यूटर को यूज़ करते थे वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होते थे, हम यानी कि कोई डिजिट्स उसको कोई प्रोवाइड नहीं करते थे। जैसे हमारे पास नॉब्स होती थी जिसे हम कहते हैं, हमारे पास एक स्पीडोमीटर आपके गाड़ी के अंदर लगा होता है, बाइक के अंदर है, तो वो जो मिसाल है वो आपके पास स्पीडोमीटर की, वो एनालॉग कंप्यूटर की है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास जो आज के कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, और हमारे पास जो पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर, या किसी कैटेगरी में आएंगे, डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। जब आगे हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है, वन बाय वन हम उनको उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, इसके अंदर दोनों की जो खसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनता है वो आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जिसमें पिक्चर्स के अंदर आपके पास या पीएस हैं, मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी आपके पास कोई कीबोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई डिजिट्स नज़र नहीं आ रही होंगे, यहाँ पर छोटी छोटी नॉब्स हैं, छोटे छोटे बटन्स हैं जो यानी कि इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें, ये देखें आपके पास एक छोटा सा स्पीडोमीटर टाइप बना हुआ है, यहाँ के ऊपर एक सुई है जो मूव करेगी, जब भी इसके ऊपर यानी कि वोल्टेज आएगी तो ये यानी कि मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ पे जो छोटी छोटी नॉब्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये छोटी नॉब्स हैं, इन नॉब्स के जब आप रोटेट करते हैं यहाँ पर, यानी कि जो पिन इसकी बनी हुई हैं, जो जो यानी कि आपने यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, तो
यहाँ जो आपने परफॉर्म करना है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो पिन होंगी आप यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। तो यानी कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है वो यूज़ करते हैं। सामने जो आपके पास जो डिवाइस है यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर है एनालॉग की टाइप के अंदर आपके पास है। यहाँ पर कोई भी यानी कि डिजिट्स नहीं है, कोई भी कीबोर्ड यूज़ नहीं हो रहा आपके पास। तो ये बेसिकली सारा का सारा जो काम हो रहा है आपके पास बटन्स के ज़रिए हो रहा है, जिसे हम नॉब्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो कंप्यूटर की टाइप है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं क्या है। अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ क्वान्टिटीज यूजिंग डिजिट्स, यूजली यूजिंग द बाइनरी नंबर ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे लफ्ज़ बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया। जब डिटेल में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपने अपने जहन में इस बात को महफूज रखना है, याद रखना है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 है। हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये तमाम का तमाम हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के ऊपर काम करता है। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर था वो हमारे पास वो वोल्टेज के ऊपर काम करता है। जब उसको वो यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर काम करेगा। अब बात आती है ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, लेकिन वहाँ पर जो आपके पास होती है फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो आपकी वोल्टेज है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ में मिलकर काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो डिजिट्स के ऊपर काम करता है। लेट्स सपोज कह सकते हैं हमने पावर ऑन की, अपना पीसी ऑन किया, उसके बाद यानी कि हमने बटन ऑन किया। तो बटन जैसे ऑन करते हैं फिर वहाँ पे यानी कि जो आपके कीबोर्ड की मदद से जो इंस्ट्रक्शन पास होती हैं, जैसा पावर बटन ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या होता है, एक प्रोसेस है यानी कि आपके पावर सप्लाई को हिदायत जाती हैं कि अभी आपने हर एक कंपोनेंट को जितनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर देनी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्टअप हो जाता है, फिर ब्लैक स्क्रीन आपके पास अपीयर होती है, ब्लैक स्क्रीन से आपके पास फिर आइकॉनिक फॉर्म में आ जाता है, फिर आपके पास विंडोज 7 है या सबसे पहले XP है, 7 है, 8 है, 10 है, जो भी कंप्यूटर आपके लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो आपके पास अपीयर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर कॉमनली क्या करता है, आपके पास प्रोसेस वो भी करेगा, क्या करेगा जी, कंप्यूटर एंड इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वान्टिटीज यूजिंग डिजिट्स। तो जब भी आप काम करोगे तो आपके पास जो क्वान्टिटी होगी वो डिजिट्स की फॉर्म में होगी। थर्ड आपके पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ यानी कि जो बोथ है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली जो उसके अंदर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। अब देखें यहाँ पर एक इमेज देनी चाहिए है पेट्रोल पम्प की। हमारे पास जो पेट्रोल है, जब भी हम फिलिंग के लिए जाते हैं बाइक के अंदर, हमने पेट्रोल भरवाना है या उसको फिल करवाना है टैंक को, तो या गाड़ी के अंदर, तो हम क्या करते हैं अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करते हैं। जो वहाँ पे पर्सन है वो यानी कि आपके सामने जो स्क्रीन होती है वहाँ पे कुछ जाके डायल करता है, सामने वहाँ पे प्राइस भी लिखी होती है, फिर यानी कि कितने लीटर आपने फिल करवाना है फ्यूल, तो तमाम चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। लेकिन आपके स्क्रीन में वो चीज़ें अपीयर हो रही होती हैं, लेकिन जो आपका लिक्विड यानी कि पेट्रोल है उसका ताल्लुक यानी कि आपकी स्क्रीन के साथ किस तरह से बनता है। तो बेसिकली जो आपका लिक्विड होता है वो मूव कर रहा होता है और वहाँ पे जो सेंसर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट करने के साथ ही आपकी जो मीटर्स रीडिंग होती है वो आपके पास शो हो रही होती है। तो वहाँ पर एनालॉग की सूरत में सेंसर्स काम कर रहे होते हैं और साथ में जो प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपको जो कंप्यूटर उसको बताया गया है कि अगर 1 लीटर हो गया उसकी कीमत इतनी है, अगर उसके साथ 1 लीटर से कम है तो उसकी यानी कि साथ में उसकी प्राइस ऐड करता रहता है। यानी कि एनालॉग जो कंट्रोल हो रहा है वो सेंसर्स के ज़रिए हो रहा है, साथ में आपके पास जो प्राइस जो हो रही होती है, वो कैलकुलेशन जो हो रही होती है, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर कर रहा होता है। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल। वही बात हुई, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने जो यूज़ किया हुआ है वो हमारे पास सेंसर्स हैं, तो वहाँ से जो रीडिंग आती है वो आगे आपके डिजिटल कंप्यूटर को फॉरवर्ड करता है, फिर कैलकुलेशन करके आपको वो प्राइस भी बता रहा होता है और साथ में लीटर्स भी शो कर रहा होता है। तो कहते हैं कन्वर्ट देम टू अ डिजिटल एंड प्रोसेस देम इन अ डिजिटल फॉर्म। लेट्स कम टू एग्जाम्पल कंप्यूटर यूज इन अ हॉस्पिटल।
टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पर एग्जांपल इसने दी है कि हॉस्पिटल के अंदर जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ पर एक खवातीन है ये बता रही है कि कंप्यूटर को वो यूज़ कर रही है। अब यहाँ पर पेशेंट तो नहीं है, लेकिन जब भी हम यानी कि हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी हार्ट बीट को चेक कराते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर उसको रीड करके उसकी जो रीडिंग होती है आपके सामने शो कर देता है। अब जो सारा प्रोसेस होता है वो यानी कि आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आपका कंप्यूटर आपको परफॉर्म करके दे देता है। आगे है डिवाइस यूज इन पेट्रोल पंप। जाहिर सी बात है हार्डवेयर कंप्यूटर जो आपके पास डिवाइसेस है यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल पंप के अंदर, फिर कहते हैं इन साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोलिंग इंडस्ट्री प्रोसेसिंग प्रोसेसेस। अब जब यानी कि इंडस्ट्री के अंदर आपके पास किसकी मिसाल ले लेते हैं, हम मिसाल लेते हैं पेप्सी की। जो हमारे पास पेप्सी की हमारे पास आती है बॉटल के अंदर, तो हमारे पास वो एक नंबर ऑफ बैजेस से गुजर के आती है। जब भी यानी कि एक बॉटल आएगी वो यानी कि वो ऑटोमेटिकली पिक होती है, फिर जो एक यानी कि उसका एक रूलर होता है सिर्फ, जहाँ से वो घूम के यानी कि आगे जाती है, फिल होती है, फिल होने के बाद आगे फिर मशीन उसको सील करती है, सील करने के बाद फिर जो उसकी पटरी होती है उससे यानी कि मुकम्मल होने के बाद फिर आगे वो जहाँ पे उसको जमा किया जाता है आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपका है वो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास जो फंडामेंटल लेवल ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, जो हम जब भी हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को तो वो कौन कौन से इसके फंक्शंस होंगे। कहते हैं एट अ फंडामेंटल लेवल कंप्यूटर ऑपरेट्स टू दीज फोर फंक्शंस। एक है इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और मेमोरी भी है इसके साथ। तो हम यानी कि सबसे पहले देखते हैं इनपुट जो है हमारे पास वो क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू द सिस्टम। क्या है जी, देखते हैं दोबारा, इनपुट डिवाइस कहता है द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू द सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल थ्रू कीबोर्ड और माउस। तो जाहिर सी बात इनपुट डिवाइस जो है माउस है, तो माउस के जरिए हम इनपुट सिग्नल देंगे, और कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जरिए हम यानी कि इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। और आउटपुट के बारे में कहता है द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। जाहिर सी बात है जब आप कोई डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग माउस और कीबोर्ड, तो वो आपका डेटा कहाँ पर अपीयर होता है, स्क्रीन पर होता है, तो वो आपके पास आउटपुट डिवाइस में आएगा। अब दरमियान में जो है प्रोसेसर है, जब भी हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, डेटा से मुराद क्या है, मैंने अपना नाम लिखा बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो वो जो डेटा मैंने लिखा, जो लफ्ज़ मैंने लिखा, तो मैंने कीबोर्ड को यूज़ किया। कीबोर्ड क्या था, इनपुट डिवाइस। अब वो जो वहाँ से फर्दर जो प्रोसेस के लिए गया, प्रोसेस होने के बाद अगर आप उसको स्क्रीन पर शो कराना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो डेटा होता है स्क्रीन पे तो शो हो रहा होता है, लेकिन आप उसे स्टोर करवाना चाह रहे हो, आप उसे प्रेजेंट करवाना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वो स्टोरिंग डिवाइस की तरफ चला जाएगा, लेकिन प्रोसेस ज़रूर होगा। कहते हैं प्रोसेसिंग क्या है, द रिट्रीवल और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू अ न्यू फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा है रिजल्ट फ्राम अ सर्च इंजन। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या कहा है कि आप गूगल को डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो गूगल के ऊपर आप कोई भी क्यूरी लिखते हो, लेट्स सपोज कहते हैं bbc.com या bbcurdu.com या jionews.com, ये आपने क्यूरी लिखी तो आपका सर्च इंजन आपको ढूंढ के दे देता है। तो इसी तरह आपका एक प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, रिट्रीव और मैनिपुलेट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को। तो आगे कहते हैं स्टोरेज, स्टोरेज हमारे पास क्या है, स्टोरिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हम स्टोर करके रखे हुए हैं, अब हमने उनको प्रिजर्व कर दिया है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने देखा हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या है, प्रोसेसिंग हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसके साथ हमारे पास मेमोरी, हमारे पास जब हम मेमोरी को पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, हमने इनको देखा। आगे हमारे पास क्या, इनपुट डिवाइस। तो कहता है इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। कहता है कोई भी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस होगी, वो क्या कर रही है, डेटा सेंड कर रही है कंप्यूटर की तरफ, allowing you to interact with and control it। जाहिर सी बात है वो आपको इजाज़त देगी, आप इंटरेक्ट करोगे इनपुट डिवाइस के साथ, यानी कि आप जो हिदायत दोगे तो आपको प्रोसेसर के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद अगर आउटपुट डिवाइस की तरफ आपने भेजनी तो आउटपुट डिवाइस के पास शो होगी। जिस हमारे पास यहाँ पर क्या इनपुट डिवाइस, नंबर वन हमारे पास क्या है, टच स्क्रीन, कैमरा,
स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये तमाम की तमाम जो आपके पास पिक्चर्स शो हो रही हैं, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस में लाई करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। एंड एन आउटपुट डिवाइसेस इज एन डिवाइस यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर। अब यहाँ पे लव्स अनदर डिवाइस और यूजर आया है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जाहिर सी बात इनपुट डिवाइस क्या है, आपका डेटा सॉरी आउटपुट डिवाइस क्या करती है, आपका डेटा को सेंड करती है कहाँ, फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस। अब किस तरह से, आप काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आप असाइनमेंट कंपोज कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, अब आप इशारे को आपने उसको महफूज करना है, स्टोर करना है। अब दरमियान में जो मीडियम में वो प्रोसेस तो होगा डेटा, अब आप चाह रहे हो उसको स्टोर करना है तो वो स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जाइए। अगर आप चाहते हो आपने कहीं इसको प्रेजेंट करना है, मल्टीमीडिया पे आपने उसको प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे एज अ आउटपुट डिवाइस। तो मल्टीमीडिया के पास क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, टू सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस, दूसरी डिवाइस की तरफ भेज रहे हो, आर अ यूज़र या किसी दूसरे यूज़र की तरफ। वो यूज़र क्या हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो आपके पास प्रोजेक्टर हो सकता है, आपके पास प्लॉटर हो सकता है। तो प्लॉटर जो प्लॉटर है आपके पास बेसिकली प्रिंटर की टाइप है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस। तो डेली लाइफ के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास है जी, सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ कर रहे थे, जो हमारे पास थी जिप डिस्क और साथ में फ्लॉपी डिस्क, ये यानी कि दोनों एक ही किस्म की डिवाइसेस थी, जिसमें यानी कि जब आपका कंप्यूटर नया नया आया कमर्शियली यूज़ के लिए तो हम इसको यूज़ करते थे फॉर स्टोरिंग द डेटा। उसके बाद हमारे पास सीडी, उसके बाद हमारे पास डीवीडी, उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई, फिर हमारे पास यूएसबी आ गई, और फिर हमारे पास अभी एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गई। तो हम इनको यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टोरेज डिवाइस इज एन कंप्यूटिंग हार्डवेयर, जाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस होगी, दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग importing and extracting data files and objects. It can hold and store information both temporarily and permanently and can be internally or externally to the computer. तो इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली से मुराद है कि जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो फिक्स है, वो आपकी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। एक्सटर्नल से मुराद क्या है, जो आपने यूएसबी को यूज़ किया है, सीडी को यूज़ किया है, डीवीडी को यूज़ किया है, या आप यानी कि एक्सटर्नल या जिसे कहते हैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, डेटा टेम्प्रेरी भी होगा, यानी कि टेम्प्रेरी आप इसको स्टोर करना चाहते हो या परमानेंटली, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्प्रेरी कब होगा इसके ऊपर ज़्यादा देखते हैं, कहते हैं इट कैन होल्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्प्रेरी एंड परमानेंटली। अब टेम्प्रेरी जो आपका डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर टेम्प्रेरी स्टोर होता है, लेकिन परमानेंटली जो आपका डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होगा। यानी कि लाइट चलेगी, आपका मेमोरी के अंदर जो डेटा, जो फाइल ओपन थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन था, एक्सेल ओपन था, वो टेम्प्रेरी ओपन था, ठीक है, और जब लाइट चली जाएगी तो वो टेम्प्रेरी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और परमानेंट डेटा जो आपके हार्ड डिस्क के अंदर था, जो आपकी पिक्चर्स थी, आपकी वीडियोज़ थी, वो परमानेंट स्टोर हैं। तो जब भी आप यानी कि दोबारा अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो आपको वो चीज़ें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन जो टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन था, एक्सेल ओपन था, वो आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर थी, सॉरी रैम के अंदर, वहाँ से वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज एन अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्परेली। वही बात हुई, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे पास जो बाकी सब वर्ड हमने ओपन किया था वो जैसे ही लाइट गई वो रैम के ऊपर यानी कि ओपन था, जैसे लाइट गई वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो परमानेंट स्टोरेज जो हमारे पास है, परमानेंट हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो हमारे पास यूएसबी है, वो हमारे पास हार्ड डिस्क है, वो हमारे पास सीडी है, डीवीडी है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम डेटा स्टोर कर रहे थे ये परमानेंटली स्टोर हो रखा है। लाइट चली जाए फिर भी वो यानी कि वहाँ से ख़त्म नहीं होता। तो कहते हैं इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी लाइक रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और परमानेंटली लाइक रोम। अब दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, यानी कि दो, रैम क्या है, रोम क्या है। वैसे तो हमें पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है को हम कहते हैं रैम, और रीड ओनली मेमोरी को हम कहते हैं रोम, लेकिन इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है वो हम देखते हैं। ये मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा और आईसी से मिलकर बना होगा,
आर यूज बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ कर रहा होगा, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जाहिर सी बात है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर जब हम दोनों यूज़ करते हैं तब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम कर रहा होता है तो किसी न किसी IC के साथ मिलकर काम कर रहा होगा। तो हमारे पास जो मेमोरी है बेसिकली मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइज किसको करेंगे, यूटिलाइज IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को, एंड आर यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कौन यूज़ कर रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ चीज़ें क्लियर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सॉफ्टवेयर है क्या और हार्डवेयर क्या। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कम्बिनेशन है इन दोनों को चलाने के लिए जो यानी कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एक जो सॉफ्टवेयर की टाइप है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, तब हमारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मेमोरी बेसिकली जो आपके पास है वो टेम्परेरी काम करती है, एक तो टेम्परेरी काम करती है एक परमानेंट काम करती है। तो टेम्परेरी वाली जो कैटेगरी है हमारे पास रैम है और परमानेंट हमारे पास रोम है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, देखिए हमारे पास डेटा ओपन था, रैम की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हम काम कर रहे थे, मिसाल के तौर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ था तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, साथ में मैंने एक्सेल ओपन किया है वहाँ पर कुछ मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो वो दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ओपन हुए हैं रैम के ऊपर। अब यहाँ पे जो रैम आपका जो रैम का जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल के तौर पर यह काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन बन जाते हैं रैम के लिए अलहदा, सॉरी जो वर्ड के लिए एक जगह थी, यानी कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वो 512 MB जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली, वहाँ पर जगह उसने ले ली। आगे मेरे पास एक्सेल है, एक्सेल ने भी यानी कि 512 जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली, वहाँ से रिजर्व कर ली अपने लिए। अब जब मैं यानी कि कोई और चीज़ ओपन करूँगा तो अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 1 GB रैम इंस्टॉल है तो फिर तो पीछे जगह ही नहीं बचेगी, अगर 2 GB है तो नेक्स्ट यानी कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन करते हो वो ओपन होगी, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 1 GB रैम इंस्टॉल है, 1 GB रैम इंस्टॉल होने की वजह से जो उसके पास स्पेस थी रैम के अंदर वो तो पहले से रिजर्व हो गई है, तो नेक्स्ट जब आप टास्क ओपन करोगे वो ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप रेंडमली यानी कि उसको एक्सेस कर रहे होते हो, साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी एक्सेस कर रहे हो और एक्सेल को भी, तो यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को रेंडमली आप उसको एक्सेस कर रहे हो। अब रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। आपने हिदायत दे दी अपने कंप्यूटर को, परमानेंटली वो उसके अंदर स्टोर है, आप उसके अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, परमानेंट आपके यहाँ की डेटा स्टोर है। लाइट चली गई आपकी बायोस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट जाती है सिस्टम आपका दोबारा रिस्टार्ट होकर फिर दोबारा वही स्टेट से यानी कि ऑन होता है। लेकिन रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होने की वजह से वो रैम से वो डेटा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी को जरा हम देखते हैं डायग्राम के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है जी, रैम है और रोम है। अब रैम क्या आपके पास है, वोलेटाइल है यानी कि ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाएगी, और यहाँ पे रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब रैम के अंदर है जी आपके पास एस रैम और डी रैम, उसके बाद पी रोम और डबल ई पी रोम। आगे हम सेकेंडरी के अंदर देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क के बारे में बताया, SSD के बारे में बताया, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बताया, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया और मैग्नेटिक टैप जो हमारे पास आपके पास थी फ्लॉपी डिस्क, उसको हम यूज़ कर रहे थे फॉर स्टोरिंग डेटा। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अ मेडिकल फील्ड, जो हम कंप्यूटर हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ तो कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अच्छा उसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं जी एयरपोर्ट पे यूज़ कर रहे हैं, एयरलाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी हम हवाई जहाज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको, एरोप्लान के अंदर, जेट प्लान के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर तो यूज़ हो रहा है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और इसका मकसद क्या है और किन मकासद के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि कहता है मेजर यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन मेडिसिन इंक्लूड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें जब भी एक पेशेंट
हॉस्पिटल में विज़िट करता है तो सबसे पहले वो अपना बायोडाटा लिखवाता है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे कहते हैं, वहाँ पे वो अपना डाटा लिखवाता है, वहाँ से उसको रिसिप्ट मिलती है, फिर आगे फर्दर उसको गाइड किया जाता है कि फलां डॉक्टर के पास आपका चेकअप होगा। तो वो साहब यानी कि जो पेशेंट हैं वो जाएंगे डॉक्टर के पास, वहाँ से चेकअप करेंगे, सॉरी डॉक्टर उनका चेकअप करके उनको बताएंगे और पर्ची के ऊपर लिख देंगे, और जो पेशेंट इंफॉर्मेशन हिस्ट्री होती है वहाँ पे उसकी यानी कि साथ में हिस्ट्री मेंटेन कर दी जाती है, जो पेशेंट आया था इसको ये बीमारी थी और ये इनको मेडिसिन दे दी गई हैं। तो यूँ यानी कि आप एक पेशेंट को उसकी जो मेडिसिन हैं जो उसका ट्रीटमेंट है वो साथ में मेंटेन कर रहे हो, साथ में डॉक्टर का अगर आप डेटा रख रहे हो तो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे किस ओपीडी में और किस क्लिनिक पे यानी कि पेशेंट को चेक करेगा, तो ये तमाम चीज़ें आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, पेशेंट से रिलेटेड पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब ये तमाम चीज़ें जब मिलेंगी तो आपके पास अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर चली जाएंगी। तो यूँ यानी कि हम मेडिकल फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद MRI के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, CT स्कैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ यानी कि हमारे पास जो टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेडिकल इमेजिंग लेबॉरेटरी, मेडिकल इमेजिंग लेबॉरेटरी कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर असिस्टेंट मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, केयर ऑफ क्रिटिकल इन पेशेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट थेरेपी एंड सो ऑन। तो यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लिए मुख्तलिफ कामों के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे। तो एक सेशन है गूगल का जो काम कर रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली वो यूज़ कर रहे हैं जो आपकी रेटिना होता है आँखों के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे तो हम स्मार्टफोन यूज़ कर ही रहे हैं, स्मार्टफोन के ज़रिए हम अपने मोबाइल लॉक ओपन करते हैं बाय यूजिंग रेटिना, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने आँख के सामने रखते हैं वहाँ से आपका स्मार्टफोन ओपन हो जाता है। लेकिन जो गूगल की कंपनी है वो उसे यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि इस बंदे की नींद पूरी हुई है या नहीं, इस बंदे ने कोई इसी किस्म का कोई यानी कि ड्रग अल्कोहलिक तो यूज़ नहीं किया, इससे रिलेटेड यानी कि जो IT कंपनीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं इस कंप्यूटर को कि इससे पता चलाया जा सके कि ये बंदा जो है यानी कि स्मोकर है, ये अल्कोहलिक पर्सन है यानी कि शराब नोशी करने वाला बंदा है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं IT के अंदर यानी कि यूज़ की जा रही हैं और हेल्प की जा रही है मेडिकल फील्ड के अंदर, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें इंसानियत की मदद की जा रही है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर हमने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर, फिर सॉरी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर हमने आगे पढ़ा है जी हाइब्रिड कंप्यूटर, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, बेसिक चीज़ें थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। और जो चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, टेक योर टाइम एंड कम्प्लीट द असाइनमेंट। तो यानी कि इस के साथ लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड रीड दिस आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस, व्हाट इज़ हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है राइट डाउन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन IT मेडिकल एजुकेशन। अब वेबसाइट का लिंक आपको दे दिए गए, इस वेबसाइट के लिंक पे आपने जाना है और ये तीन क्वेश्चन, इन तीन क्वेश्चन के आपने आंसर मुकम्मल करके असाइनमेंट के तौर पर आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक है। और असाइनमेंट का जो क्या कहते हैं, इससे पहले प्रीवियसली आप जमा कराते थे अपनी असाइनमेंट्स तो नहीं हुई है, तो मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ, आपने अपने कोऑर्डिनेटर की जो ईमेल आईडी है उस पर सबमिट कर देनी है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके थैंक यू। और जो भी कोई यानी कि इस लेक्चर के अंदर आपको समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप काइंडली पूछ सकते हैं और आपकी हेल्प के लिए मैं मौजूद रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि स्टूडेंट्स अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो बिला झिझक आप ईमेल आईडी और आपको आपका आपको नंबर भी दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।